नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ओपेक के बारे में कि ओपेक क्या होता है और इसके 14 मेंबर्स हैं और उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे और इसका हेडक्वार्टर और क्या बेसिक पर्पस था, कब क्रिएट किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, और ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस में, जो कि हुई थी 10 से 14 सितंबर 1960 में हुई थी। और इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, और वेनेजुएला इसका डी फैक्टो लीडर भी है। देखिए, फॉर्मेशन हुआ था जो ओपेक का, वो काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था नेशनल सोवरेंटी और नेशनल रिसोर्सेज के लिए, जो भी इसके मेंबर हैं। और ओपेक का जो डिसीजन होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ऑयल मार्केट में और इंटरनेशनल रिलेशन में, और इनका इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब, और ज़्यादा स्ट्रांग होता है जब वॉर हो जाता है या सिविल डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई या जो भी ऑयल का कंजम्पशन होता है उसके उस पे इंटरप्ट हो जाता है। 1970 में जो रिस्ट्रिक्शन हुए थे ऑयल के प्रोडक्शन में, उसकी वजह से ड्रामेटिक प्राइस राइज हो गया था। देखिए, ओपेक काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स में, और 1980 से देखिए ओपेक का रिवेन्यू भी और ये जो वेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे। 1980 से ओपेक ने स्टार्ट कर दिया था जो भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं 14, उनके प्रोडक्शन टारगेट सेट करना स्टार्ट कर दिया था ओपेक ने, जिसकी वजह से जब ये देखिए प्रोडक्शन टारगेट पिछला जो भी पिछले साल में प्रोडक्शन हुआ है, कंजम्पशन हुआ, उस डेटा के हिसाब से जो ओपेक के मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उसका ओपेक टारगेट सेट करता है, और जिससे कि जो भी ऑयल प्राइसेस है काफ़ी उन पे इफेक्ट पड़ता है। और इसीलिए जब प्रोडक्शन टारगेट रिड्यूस कर दिया जाता है तो जब देखिए जब सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो डिमांड तो उतनी ही रहती है, तो ऑयल प्राइसेस तब इंक्रीज हो जाते हैं। सप्लाई और डिमांड के जो भी ये प्रिंसिपल होते हैं उस हिसाब से चलता है इसमें। तो ओपेक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है ओपेक ये ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स में। देखिए, 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, जो 5 मेंबर थे उनको बाद में 9 मेंबर्स ने और ज्वाइन कर लिया, जैसे कि कतर ने 1961 में, इंडोनेशिया ने 1962 में ज्वाइन किया था, लेकिन फिर 2009 से 15 तक ये सस्पेंड कर दिया था, फिर से इंडोनेशिया ने ज्वाइन कर लिया है, लीबिया ने 1962 में, यूएई ने 1967 में, अल्जीरिया ने 1969 में, नाइजीरिया ने 1971 में, इक्वाडोर ने 1973 में मेंबरशिप ली थी, और 1992 से 2017 2007 तक ये मेंबरशिप अपनी सस्पेंड कर दी थी, लेकिन अभी भी है ये, फिर ज्वाइन कर ली थी। अंगोला ने 2007 में, गैबोन ने 1975 में मेंबरशिप ली थी, फिर 1995 से 2016 तक ये अपनी ये टर्मिनेट कर दी थी, और फिर से अभी गैबोन ने ज्वाइन कर लिया। तो इसलिए ओपेक में इस समय 14 मेंबर्स हैं, 14 मेंबर्स, ओपेक इज हैविंग 14 मेंबर्स। ओपेक का हेडक्वार्टर सबसे पहले जिनेवा स्विट्जरलैंड में था सब शुरू के 5 सालों में, उसके बाद ये वियना ऑस्ट्रिया में हो गया था शिफ्ट सितंबर 1, 1965 में। ओपेक ऑब्जेक्टिव क्या है ओपेक का, टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई पेट्रोलियम पॉलिसी अमंग द मेंबर कंट्री, और इसके जो भी मेंबर हैं 14 मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड की ऑयल ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सऊदी अरेबिया है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, और भी वेनेजुएला है जिसके पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा रिजर्व है ऑयल के। और ऑयल क्या करता है, ये जो ओपेक है ये सिक्योर फेयर मतलब ये फेयर प्राइसेस मिले और स्टेबल प्राइसेस मिले जो भी पेट्रोलियम प्रोड्यूसर हैं, और जो कंज्यूमिंग नेशन है उनको भी रेगुलर सप्लाई मिलती रहे, तो ओवरऑल ये कंज्यूमर्स और जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, सप्लाई करता है, प्रोडक्शन टारगेट सेट करता है, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ऑयल इंडस्ट्री में उनको फेयर रिटर्न मिले ये भी ख्याल रखता है। ये देखिए, ये ओवरऑल इसका पिक है, ये ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी भी इसकी कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन है वर्ल्ड मैप में, ये इसका फ्लैग है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया में, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, मेंबर कंट्रीज है 14 स्टेट हैं इसमें, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बगदाद कॉन्फ्रेंस में इराक में 1960 में। अब देखिए ओपेक के मेंबर कंट्रीज को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। ओपेक में मेंबर है कंट्रीज है 14 है, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, गैबोन, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया,
जो कि इसका डिफैक्टो लीडर है, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स और वेनेजुएला। तो 14 मेंबर्स हैं इसके, और जो 2/3 इसके मेंबर्स हैं वो 6 मिडिल ईस्ट कंट्री में ही हैं, और जो कि पर्शियन गल्फ के सराउंडिंग है। 14 मेंबर्स को याद करने की ट्रिक है, आपको तीन वर्ड याद रखने हैं इसमें, गुआवा कील स्किनी। आप ये तीन वर्ड याद रखिए। देखिए जितने भी ये जो ग्रुपिंग्स होती हैं इसमें आपको ऐसे ही ट्रिक से याद रखना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप ऐसे नाम अगर याद रखने की कोशिश करेंगे तो ये आप तीन वर्ड याद रखिए, ओपेक को। और आप एक ऐसा करिए कि एक पेपर बना लीजिए, और जितने भी मैंने ट्रिक बताई है और उसको सबको एक पेपर में बस ये शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए, तो आपको लगभग याद रहेगा जहां भी आपका वर्ड मैप लगाओ। तो ये 14 मेंबर्स को याद करने की ट्रिक है, गुआवा कील स्किनी। सबसे पहला वर्ड जो है वही है इसका, ये जैसे जी से है गैबॉन, यू से है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमीरेट्स, ए से है अंगोला, फिर वी से है वेनेजुएला, और ए से है फिर अल्जीरिया। तो गुआवा हो गया, कील मतलब के से, क्यू से है कतर, ई से है इक्वाडोर, आई से है इंडोनेशिया, एल से है लीबिया, क्वील हो गया, और स्किनी यानी कि एस से सऊदी अरेबिया, के से कुवैत है, आई से फिर ये ईरान होगा, फिर ये एन से नाइजीरिया, और आई से इराक। तो ये 14 मेंबर्स हैं, और 14 मेंबर्स को याद करने की ट्रिक, और ये पूरा ये ओपेक के बारे में था। तो आपको समझ में आया कि नहीं?